कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिले। तो आज इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि 2024 में आप कैसे हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। एडमिशन लेने में आपको टोटल कितना समय लगा था? एडमिशन लेने में कोई दिक्कत? अपने पेरेंट्स को लाना होगा कि नहीं इंडक्शन में? तो पेरेंट्स को आपको लाने की कोई जरूरत नहीं। एक स्टूडेंट जो होता है ना, एलपीएस का टोटल 2 अटेम्प्ट दे सकता है। हमारे व्यूअर होने का एक आपको फायदेमंद बात बता दे रहे हैं, तब आप मुझे बोलोगे कि आपके चलते मेरा एक बेनिफिट हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है 2024 का एडमिशन शुरू हो गया और 2024 मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया एडमिशन के ऊपर। तो आप में से बहुत लोगों का मेरे पास एक ही मैसेज आ रहा था, भैया 2024 का एडमिशन के ऊपर अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया, अपलोड क्यों नहीं किया आपने। तो उसी को देखते हुए तो आज इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि 2024 में आप कैसे हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। तो जैसा कि आपको पता है, मैं भी पीछे आपको दिख रहा होगा एलपीयू, तो मैं भी एलपीयू का स्टूडेंट हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं कि शुरू से लेकर एंड तक कैसे आप एडमिशन करवाएं, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिले, कैसे आप एलपीयू नेक्स्ट का जो फी है उसे कम कराएं। तो ये सब बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको एलपीयू नेक्स्ट का जो फॉर्म होता है उसे फिल करना होता है। इससे क्या होता है ना, बेसिकली हमारे कॉलेज की तीन तरह से आपको स्कॉलरशिप देता है। पहला स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है, जो कि कॉलेज खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो सबसे ज्यादा आपको स्कॉलरशिप जो मिलती है ना, हमारे कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेक्स्ट, उसमें ही मिलती है। इसके बाद दूसरा तरीका है, मालूम है क्या? हम अगर आपको दूसरा तरीका स्कॉलरशिप का लेने का है कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो दूसरा तरीका, दो तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि जेई मेंस के ऊपर उसमें आपके जितने नंबर आए होते हैं उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो टोटल तीन तरह होते हैं आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए। और इसके बाद हम बात करें तो सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम, जो कि कॉलेज खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है ना, आप वो दे दो, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप उसी के बदौलत मिलता है। तो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो मिलता है ना आपको एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू मिलता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि 12 के नंबर पे भी मिलता है, लेकिन बहुत बच्चों का कोई कोई रीजन से क्या होता है 12 में मार्क्स कम आ जाता है, तो इसके चलते क्या होता है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और जेई मेंस में भी बहुत लड़कों का नंबर नहीं आता है। तो सबसे अच्छा तरीका है आप एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे दो। तो एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म का फी का प्राइस है 1000 रुपए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 500 रुपए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको उससे कम करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दिया, आप क्या करो उसमें कॉल कर दो, या फिर साथ ही साथ मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, आप उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारी टीम आपको एलपीयू नेक्स्ट का कूपन कोड दे देगी, जिससे आपका एलपीयू नेक्स्ट का जो 1000 का फी है वो 500 का हो जाएगा और जो 500 का है वो 250 का हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक कॉलिंग नंबर है उस पर कॉल करो और आप एलपीयू नेक्स्ट का डिस्काउंट कूपन कोड उनसे मांग लो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है ना उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके 1 रुपए नहीं लगने वाले हैं। और एलपीयू नेक्स्ट का टोटल 3 कैटेगरी होता है, एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टोटल एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा ना वो होगा 400 का। आपको अगर पहला कटअप में जाना है तो आपको 360 के ऊपर स्कोर करना होगा, दूसरा कटअप आपको 320 के ऊपर स्कोर करना होगा, और तीसरा जो कटअप होता है उसके लिए आपको 280 के ऊपर जाना होगा। तो टोटल ये 3 कैटेगरी होता है। हमारे समय पे 40% स्कॉलरशिप मैक्सिमम थी, अभी का मैं बता दूं तो अभी 30% चल रहा है। तो अगर आप और ज्यादा लेट करोगे तो और ज्यादा स्कॉलरशिप कम होता जाएगा। तो इसके लिए मैं एक और बेनिफिट्स आपको बता दे रहा हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले आप एडमिशन कभी भी लो तो सबसे अच्छा आप क्या करो, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे दो, आप एक अच्छा स्कॉलरशिप स्कोर कर लो, उसके बाद आप आराम से बैठे रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो आपका स्कॉलरशिप है ये पूरे साल के लिए लागू हो जाता है। सबसे अच्छा आपको क्या करना मालूम है, आप एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे दो, एक बढ़िया स्कॉलरशिप स्कोर कर लो, और उसके बाद 10,000 रुपए देकर अपना एक आप सीट बुक कर लो। इससे क्या होगा, वो आपका जो 10,000 अमाउंट दोगे ना, मतलब एक टाइम पीरियड होता है तब तक के लिए आपका स्कॉलरशिप बुक हो जाता है, मतलब आपका स्कॉलरशिप अब उससे कम नहीं होने वाला। उसके बाद आप आराम से टाइम लो। बहुत से लड़के क्या करते हैं ना, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देते हैं लास्ट में, तो उस समय क्या होता है स्कॉलरशिप बहुत कम हो जाता है। तो आपको एडमिशन लेना है या बाद में लेना है या ना लेना है, तो सबसे अच्छा क्या करो, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दो, एक अच्छा स्कॉलरशिप स्कोर कर लो और 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देकर छोड़ दो आप आराम से। फिर आप पैसे का बंदोबस्त करो या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप आराम से एडमिशन लो। अगर आप ये बाद में कैंसिल करवाना चाहते हो तो ये कैंसिल भी हो सकता है। उसके लिए अगर आपको इंक्वायरी करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक नंबर है उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। सीट बुक करने के बाद आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलता है 2-3 महीने का। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या मालूम है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप ये प्री एडमिशन प्रोसेस में बता रहे हो, आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ऑनलाइन जो कॉलेज का पोर्टल है उस पर अपलोड कर देना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत करना, हमारी कॉलेज की टीम जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगी। तो ये हो गया प्री प्रोसेस, ठीक है। आपको 2-3 महीने अच्छा खासा एक टाइम मिल जाता है। और एक और बात कि अगर आप जो सीट बुक कर लेते हो ना उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो 500 के 1000 रुपए आपके कटते हैं। तो आपको बेटर इंक्वायरी के लिए नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर है उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो, श्योर हो जाना 500 या 1000 रुपए कटते हैं। उसके बाद अगर हम आपको एक बहुत अच्छा, हमारे व्यूअर होने का एक आपको फायदेमंद बात बता दे रहे हैं, आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना
आपको जो 2-3 महीने मिल रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट जितना है आपको पोर्टल पे अपलोड कर देना, इससे बहुत आपका टाइम बचेगा। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आप जब कॉलेज आओगे ना आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी आएगा अपलोड ही करने, तो इससे क्या होगा आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप जब यहाँ पे आओगे ना इंडक्शन में, जब आपका 2024 का इंडक्शन होगा उसमें जो भी बच्चे एडमिशन लिए रहते हैं वो आते हैं, तो उसमें बहुत आपका टाइम बचेगा आपका। तब आप मुझे बोलोगे कि आपके चलते मेरा एक बेनिफिट्स हुआ था। इसमें क्या करना है, आप घर पे 2-3 महीने मिल रहे हैं मस्त एसी में बैठ के अपना जितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या होगा आपको बहुत लंबा लाइन में लगना होगा, जो जो बच्चे अपलोड नहीं किए रहेंगे यहाँ पे बैठ के वो करेंगे, तो आपके बहुत टाइम बचने वाला है, मतलब पूरे एक दिन आप बच जाएंगे, आप फिर मुझे यहाँ पे आके थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको तो आप आराम से अपलोड कर ही देना पोर्टल पे, और टेंशन मत लेना क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसको वेरीफाई करने में, कॉलेज थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि बहुत बच्चों का होता है, तो धीरे धीरे सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कर देती है। और बहुत से लड़के मुझे एक ही बात मैसेज कर रहे हैं कि भैया जो एलपीनेस्ट का एग्जाम है ना वो उसमें मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो वो टेंशन में बैठ गया। तो टेंशन लेने वाली एकदम बात नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक स्टूडेंट जो होता है ना एलपीनेस्ट का टोटल 2 अटेम्प्ट दे सकता है, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट आप दे दो, सीख लो कैसे क्या होता है। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना, आप अच्छे से एकदम जो जो आपकी मतलब मिस्टेक किया था आपने पहले अटेम्प्ट में वो दूसरे में मत करना। तो टोटल 2 अटेम्प्ट आपको मिलता है, पहला खराब गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आप उसके थ्रू आप देख लो कैसा होता है, दूसरे में आप अच्छा स्कोर कर लेना, तो टेंशन लेने वाली एकदम बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इंडक्शन में आपको ये सारा अगर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे बस आपका 5-10 मिनट का काम रहेगा। आप उसे करने के बाद यहाँ पे आपको SDM में ले जाया जाएगा, शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में ले जाया जाएगा, और सब कुछ बताया जाएगा कि कॉलेज के बारे में, कॉलेज क्या था, कैसे था, अभी कैसा है, ये सब बताया जाएगा, और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, कब कैसे करना है, ये सब भी आपको ऑडिटोरियम में बताया जाएगा। और बहुत से लड़के मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया इंडक्शन जब हमारा होगा वो कब होगा, तो वो आपके अगस्त के लास्ट में आपको पता चलेगा, वो उसका डेट अभी नहीं आया, लेकिन नॉर्मली आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिलता है, तभी होता है इंडक्शन। और बहुत से लड़के एक बार पूछ रहे थे भैया हमें अपने पेरेंट्स को लाना होगा कि नहीं इंडक्शन में, तो पेरेंट्स को आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाओगे तो अच्छा ही है, पेरेंट्स देख लेंगे कॉलेज कैसा कैसा नहीं। मैं भी अपना एडमिशन खुद से ही करवाया था, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं आए थे, तो आप नहीं भी लाओगे तो आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो बहुत से लड़के हम ये बोल रहे थे ना भैया एडमिशन के ऊपर वीडियो लाओ, तो 2024 का एडमिशन ऐसा है नॉर्मली है, जैसा कि हर बार होता है वैसा ही इस बार है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एडमिशन लेना। जब हम एडमिशन लेते हैं ना तो भी हमें कोई मतलब प्रॉब्लम का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था, जैसे कि हमारा दोस्त है इससे भी हम पूछ लेते हैं कि ये जब एडमिशन लिया था दोनों वैसे साथ में लिए थे, यहाँ आके हम मिले, तो इससे भी हम पूछते हैं कि कोई इससे प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, एडमिशन लेने कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत इजी है ना। जैसे यहाँ पे पाइएगा तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ पे क्यूआर दिया जाएगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स से बात किया जाएगा, उसके बाद फिर फीस के लिए आपको बुला जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, आधे घंटे में सब काम करते। फीस आप यहाँ पर भी आके पे कर सकते हो, बस 10,000 आपको पे कर देना है सीट बुक के लिए, वो आप कर दो, उसका पूरा पेमेंट आप यहाँ पे आके करो। एडमिशन लेने में आपको टोटल कितना समय लगा था यहाँ पे आके, इंडक्शन में कितना टाइम लगा था? 15 मिनट 10 मिनट। 10-15 मिनट क्यों लगा था? मैंने लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर रखे थे, कॉलेज वालों ने मेरे को पहले कॉन्टेक्ट कर लिया था कि लाइक आप अगर पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो तो आपको आसानी होगी, तो मैं जब अपलोड करके आया था तो मेरे से पहले भी लोग यहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था, तो उनको 2-2.5 घंटे 3 घंटे जैसा समय उनको लगा था। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आ रहे हो तो यहाँ से आपको मुश्किल से 5-10 मिनट ही लगेगा, आप टोटल शो कर दो और निकल जाओ, बस आपको शो करना है, वो देख लेंगे एक बार, प्रोसेस करेंगे, जो जो आप अपलोड नहीं किया रहेगा वो आपसे करवाएंगे, तो आपका अगर सारा अपलोड रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोलेंगे थैंक यू आप जा सकते हो, फीस आप बस पे कर दो। तो बहुत से लड़के हमको बोल रहे थे कि भैया आप बस ब्लॉग बना जा रहे हो, ब्लॉग बना जा रहे हो, थोड़ा एडमिशन के बारे में या हमारे बारे में भी सोचो। तो यूपी से हम कर रात को ही आए, तो आते आते हमने पहले सोचा कि एक एडमिशन के ऊपर वीडियो बना देते हैं जिससे आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाएगी। बहुत लड़कों ने भाई मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो अभी मैं इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है, कोई भी अगर बाकी मेरे अपडेट अगर आपको लेते रहना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अभी मेरा स्क्रीन पे नाम भी आ रहा होगा, और साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। और वीडियो खत्म करने के बाद एक लास्ट बात, जिसको भी एलपीनेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर है उस पर आप कॉल कर लो, वो आपको एलपीनेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड दे देंगे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, इंक्वायरी करना, या फिर आपको जानना है कि कैसे स्कॉलरशिप आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, आप उसे फिल कर दो, इससे हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा देगी। तो बस ये हो गया आज का वीडियो, एडमिशन के ऊपर हो गया पूरा वीडियो खत्म, अब हम चलते हैं रूम, भाई सारा क्लास लगा लिए, तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।